अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक और लेक्चर के साथ हाजिर हैं। आज हमने पढ़ना है चेंज ऑफ वॉइस से मुतालिक, यानी चेंज ऑफ वॉइस में हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ये जो सेंटेंसेस पढ़ने होते हैं और इनसे रिलेटेड जो भी रूल्स हैं उनको हमने स्टडी करना है कि एक्टिव वॉइस अगर सेंटेंस है तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है, और अल्टरनेटिवली पैसिव वॉइस अगर पहले से दिया गया हो सेंटेंस तो उसको एक्टिव वॉइस में हम कैसे चेंज करेंगे, या आपसे ये दोनों तरीके से पूछा जा सकता है सवाल के एक्टिव वॉइस को पैसिव में तब्दील करें, या पैसिव वॉइस अगर पहले से दिया गया है तो उसको एक्टिव वॉइस में कैसे तब्दील करना है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लें, अपने रिलेटिव्स, अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स में से जो भी स्टूडेंट्स हैं पढ़ना चाह रहे हैं इंग्लिश या उन्हें थोड़ी बहुत ज़रूरत है तो काइंडली उन्हें भी रिक्वेस्ट कीजिए कि वो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनके फ़ायदे से मुतालिक अगर उन्हें कोई लेक्चर यहाँ अवेलेबल हो तो वो उससे इस्तेफादा हासिल कर लें। लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। सबसे पहले हमें तारुफ लेना है कि ये जो हम एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस कहते हैं, व्हाट द वर्ड वॉइस इज अबाउट, यानी लफ्ज वॉइस से मुराद क्या है, इससे हमारा मकसद क्या होता है, और इसकी वजह से दो कैटेगरीज यानी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जो है वो कैसे बनती हैं, इनसे क्या मुराद ली जाती है। द वॉइस ऑफ अ वर्ब टेल्स वेदर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस परफॉर्म्स और रिसीव्स द एक्शन। अब वॉइस से मुताल्लिक क्या है, वो कहते हैं इंग्लिश सेंटेंस में वर्ब यूज होता है, और वर्ब किस चीज को डिनोट कर रहा होता है, एक्शन वर्ड को, यानी किसी काम के करने या होने को जाहिर करने वाला जो भी लफ्ज होता है इंग्लिश सेंटेंस में उसको वर्ब कहा जाता है। अब एक्शन जो है वो दो तरीके से उसका इजहार होता है किसी भी एक्शन के होने या करने का। एक तो ये है कि सेंटेंस के मफहूम से हमें ये पता चल रहा हो कि जो काम जिसका जिक्र है, जिस एक्शन का जिक्र है उस पर्टिकुलर सेंटेंस में, उसको कोई परफॉर्म करने वाला यानी उस काम के अदा करने वाला कोई शख्स जो है या एजेंट जो है, एजेंट ऑफ द एक्शन, उसका भी जिक्र अगर मौजूद हो मफहूम से सेंटेंस के, तो इस सेंटेंस की काइंड को क्या कहा जाता है, इसी वॉइस कहते हैं। और या फिर कुछ सेंटेंसेस ऐसे हो सकते हैं कि जिसमें किसी काम का करना या होना इस तरीके से जिक्र उसका हो सेंटेंस के ओवरऑल मफहूम से कि ये पता चल रहा हो कि ये काम किसने रिसीव किया है, यानी किसके ऊपर ये काम किया गया है। यहां यानी इस दूसरी काइंड या कैटेगरी जो सेंटेंस की बन रही है मफहूम के लिहाज से, इसमें अब परफॉर्मर का पता नहीं चल रहा, रिसीवर ऑफ द एक्शन का पता चल रहा है। तो ये जो दो कैटेगरीज हैं, यानी एक सेंटेंस जिसमें परफॉर्मर ऑफ द एक्शन का भी पता चल रहा हो और दूसरा जिसमें रिसीवर ऑफ द एक्शन का पता चल रहा हो, इन्हीं परफॉर्मर और रिसीवर वाले मफहूम को, जो कि एक्शन को या परफॉर्म कर रहे होते हैं या रिसीव कर रहे होते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को इंग्लिश में वॉइस कहा जाता है। तो जैसा कि अभी आपको वॉइस की डेफिनेशन से पता चल गया है कि दो चीज़ें हो रही होती हैं बेक वक्त, या तो एक्शन परफॉर्म करने वाले का जिक्र होता है सेंटेंस में, या फिर रिसीव करने वाले का सेंटेंस में जिक्र होता है जो एक्शन रिसीव करता है, तो फिर इसकी दो कैटेगरीज बनती हैं। सबसे पहले एग्जांपल्स ले लेते हैं दो सेंटेंसेस से कि एक्शन परफॉर्म करने वाला फिक्रा किस तरीके से होगा और एक्शन रिसीव करने वाला। फॉर एग्जांपल हमारे सामने एक सेंटेंस है बर्ड्स बिल्ड नेस्ट्स, और सेकेंड सेंटेंस है नेस्ट्स आर बिल्ट। अगर फर्स्ट सेंटेंस के मफहूम को हम गौर से देखें और समझने की कोशिश करें तो स्टूडेंट्स आपको बखूबी मालूम हो रहा होगा
कि यहां परफॉर्मर ऑफ द एक्शन मौजूद है। एक्शन कौन सा है? बिल्डिंग का, यानी कोई चीज बिल्ड की जा रही है, तामीर की जा रही है। कौन सी चीज? नेस को बिल्ड किया जा रहा है। परफॉर्मर ऑफ द एक्शन भी यहां मौजूद है, यानी बर्ड्स उनको बिल्ड करते हैं, बर्ड्स उनको तामीर करते हैं। तो यहां क्या हो रहा है? अब परफॉर्मर ऑफ द एक्शन मौजूद है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नेस्ट्स और बिल्ट, ये भी हमें पता चल रहा है कि एक्शन कौन सा है? बिल्ट का हुई, यानी कोई चीज तामीर की जा रही है, बनाई जा रही है। अब यहां ये इस एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है, यानी ये काम तामीर करने वाला या बनाने वाला किस चीज के ऊपर किया जा रहा है? नेस के ऊपर किया जा रहा है। तो उनका भी जिक्र है, यानी रिसीवर ऑफ द एक्शन का भी यहां जिक्र है या वो मौजूद है, जिस तरीके से फर्स्ट सेंटेंस में भी नेस का जिक्र मौजूद था, जिनके ऊपर वो एक्शन बर्ड्स जो कि परफॉर्म कर रहे थे लेकिन नेस उसको रिसीव कर रहे थे। लेकिन सेकेंड सेंटेंस में सिर्फ रिसीवर ऑफ द एक्शन यानी नेस तो मौजूद है और एक्शन भी खुद बिल्ट की सूरत में मौजूद है, ये नहीं पता चल रहा कि यहाँ परफॉर्मर कौन है। तो ये दो कैटेगरीज होती हैं, जिसमें एक में परफॉर्मर ऑफ द एक्शन का भी हमें पता चल रहा होता है और दूसरे में सिर्फ रिसीवर ऑफ द एक्शन का पता होता है, परफॉर्मर का पता नहीं होता। तो इन्हीं दो तरीके से या इन्हीं दो अंदाज से बात कहने को इंग्लिश में वॉइस कहा जाता है। तो इसका मैं आपको एक और मिसाल भी दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप स्टूडेंट्स में से जब आप कॉलेज से आपको छुट्टी होती है और आप घर में दाखिल होते हैं, तो आपको ऐसा लगता है जैसे किचन में से खाने की खुशबू आ रही हो या खाना बना हुआ हो। तो आपके जहन में जो ख्याल आता है वो ये आता है कि खाना बन चुका है, खाना बन चुका है। अब ये जो आपके जहन में एक सेंटेंस या बात की सूरत में एक फिक्रा आया कि खाना बन चुका है, ये जो अंदाज आपने अख्तियार किया, ये भी एक वॉइस है जिसमें एक्शन का पता है और एक्शन के रिसीव करने वाले का भी पता है, लेकिन ये नहीं पता वो खाना किसने बनाया है। आपकी वालदा ने बनाया है, आपकी बहन ने बनाया है, या फिर आपकी मेड ने बनाया है, उसका परफॉर्मर का पता नहीं चल रहा। ठीक है, तो अब जहां परफॉर्मर का पता होगा एक्शन परफॉर्म करने वाले का, तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्टिव वॉइस कहेंगे उस कैटेगरी को। डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं, द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब, यानी ऐसा सेंटेंस होता है या सेंटेंस कहने का अंदाज जिसमें जो सब्जेक्ट है वो भी मौजूद होता है और वो एक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है। तो कौन सा एक्शन? जो कि वर्ब से जाहिर हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, बर्ड्स बिल्ड नेस्ट्स। पैसिव वॉइस, द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब। अब पैसिव वॉइस भी तो एक सेंटेंस होगा, सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है पहला पहला पोर्शन, तो इसमें जो अब सब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस में, वो एक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहा होगा बल्कि रिसीव कर रहा होगा। और वो एक्शन कौन सा रिसीव कर रहा होगा? जो के वर्ब से एक्सप्रेस हो रहा होगा, उसी एक्शन को ये रिसीव करने। यानी दो चीजें हैं, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में सब्जेक्ट मौजूद है, पैसिव वॉइस में भी सब्जेक्ट मौजूद है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है वो एक्शन को परफॉर्म कर रहा होगा वर्ब के एक्शन को, और पैसिव वॉइस के सेंटेंस में एक्शन जो है सब्जेक्ट उसको रिसीव यहां कर रहा होगा, परफॉर्म नहीं कर रहा होगा। जैसे नेस और बिल्ड, तो नेस यहां सब्जेक्ट्स हो गए, वो बिल्ड वाले एक्शन को रिसीव कर रहे हैं, यहां परफॉर्म नहीं कर रहे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वॉइस और वॉइस में से दो कैटेगरीज जो एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि इसके बाद हमने क्या करना है, रूल्स ऑफ कन्वर्शन। रूल्स ऑफ कन्वर्शन का मतलब ये है कि अब हमने अगर चेंजिंग करनी है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में, तो उसके लिए हमें कौन से असूलों को जहन में रखना होगा या दूसरे लफ्जों में कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे। सबसे पहले तो जिस तरह टेंसेस में हमने पढ़ा था, हमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस जो है उसके बारे में पता होना चाहिए कि एक सिंपल इंग्लिश सेंटेंस जो है वो कौन से पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है और उनका पर्टिकुलर ऑर्डर क्या होता है पार्ट्स का, यानी किस तरतीब से वो पार्ट्स एक सेंटेंस में मौजूद होते हैं।
तो सबसे पहले तो हमें इसकी पहचान यहाँ भी करनी होगी। अब हमारा पहला लेक्चर चूंकि प्रेजेंट टेंस से मुतालिक है, यानी आज हमने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जो है किस टेंस से मुतालिक पढ़नी है, प्रेजेंट इनडेफिनेट से पढ़नी है, तो हमने रूल्स भी उसी तरीके से उनका जिक्र किया है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट द वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट, यानी जो भी हमें गिवन सेंटेंस दिया गया है, क्योंकि आज हमारा टॉपिक प्रेजेंट इंडेफिनेट है, तो हम सपोज यही करेंगे कि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट का जो दिया गया है उस पर्टिकुलर सेंटेंस में हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमारे गिवन सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। जब हमें ये पता चल जाता है तो अब हमने सेकेंड स्टेप की तरफ जाना है, क्योंकि अब हम एक्टिव को पैसिव में चेंज करने जा रहे हैं। सबसे पहला स्टेप वो ये कहते हैं कि चेंज द ऑब्जेक्ट इन टू द सब्जेक्ट। हमारे सब सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट दिया गया था उस ऑब्जेक्ट को अब एक नया सेंटेंस जो हम लिखने वाले हैं उसमें उसको सब्जेक्ट की जगह पर लगा देना है, यानी ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देना है। अब यहाँ एक और चीज़ जहन में रख लें, बाद में जब हम एग्जाम्पल्स के जरिए पढ़ेंगे तो उसको मजीद मैं क्लैरिफाई कर दूंगा। वो ये है कि जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस की तरफ जाते हुए, तो यहाँ केस भी हमने चेंज कर देना है। केसेस से मुतालिक आपको याद होगा जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे तो हमने पर्सनल प्रोनाउन में से जो केसेस उनके पढ़े थे, सब्जेक्टिव केस हो गया, पजेसिव केस हो गया और ऑब्जेक्टिव केस हो गया, तो ये सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन्स जो थे पर्सनल प्रोनाउन के वही तब्दील होंगे। तो अगर हमारे एक्टिव वॉइस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर अगर प्रोनाउन है तो वो ऑफ कोर्स किस केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में। लेकिन अब पैसिव में जाकर चूंकि हमने उसे सब्जेक्ट बनाना है तो अब उस ऑब्जेक्टिव केस को उसके रेलेवेंट सब्जेक्टिव केस में बदल देंगे, क्योंकि अब नया जो पैसिव वॉइस का सेंटेंस बन रहा है उसमें तो वो सब्जेक्ट बनने जा रहा है, तो उसका केस भी उसी तरीके से तब्दील हो जाएगा। इसके बाद जब हम ये स्टेप भी कर लेते हैं, अब नेक्स्ट क्या करना है, पुट द सूटेबल हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलियरी वर्ब। अब जो नया सेंटेंस बना है उस नए सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसके मुताबिक हमें सूटेबल हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब लगाना है। तो चूंकि हम अभी प्रेजेंट इंडेफिनेट पढ़ रहे हैं तो जो भी सब्जेक्ट होगा अगर वो सिंगुलर है तो उसके साथ इज लगेगा, अगर प्लुरल है तो उसके साथ आर हेल्पिंग वर्ब लगेगा, और अगर प्रोनाउन की शक्ल में आई प्रोनाउन आ चुका है तो फिर हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, एम लगाया जाएगा। अब हम ये कर लेते हैं, यानी पहला स्टेप हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में तब्दील कर दिया। अब उस सब्जेक्ट की नोयत के लिहाज से हमने मुनासिब हेल्पिंग वर्ब भी साथ में ऐड कर दिया इज एम या आर में से। थर्ड स्टेप हमने क्या करना है, चेंज द वर्ब इन टू पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। अब जो वर्ब दिया गया था हमारे सेंटेंस में उसको हमने पास्ट पार्टिसिपल में चेंज कर देना है। अब तीन तब्दीलियां हमने कर दी एक्टिव से पैसिव। सबसे पहले एक्टिव के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में उसका केस भी साथ में तब्दील करते हुए, अगर प्रोनाउन था, उसके बाद सब्जेक्ट के मुताबिक नए फिक्रे के सब्जेक्ट के मुताबिक मुनासिब हेल्पिंग वर्ब भी लगा दिया इज एम आर में से। तीसरे नंबर पर हमने जो वर्ब की फॉर्म दी हुई थी उसको पास्ट पार्टिसिपल में भी तब्दील कर दिया। अब चौथा स्टेप जो हमने करना है वो क्या करना है, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब के फौरन बाद हमने बाय प्रीपोजिशन लिख देना है। बाय प्रीपोजिशन लिख देने के बाद लास्ट स्टेप जो हमारा बचता है, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट था उसको हमने पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह पर लिख देना है, लेकिन यहां भी हम केस उसका फिर तब्दील कर देंगे अगर वो प्रोनाउन हुआ तो या ये चार पांच स्टेप्स हैं, इनको आपने याद करना है और इनको अप्लाई करना है जब हम चेंज कर रहे होंगे। तो यही पैटर्न हम दोबारा से चेंज भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर पैसिव वॉइस हमें दिया गया है, अगर हमें क्या दिया गया है, पैसिव वॉइस दिया गया है, तो फिर उसके लिए क्या करेंगे हम, जो ऑब्जेक्ट हमें दिया गया था हमारा पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट था उसको हमने कहाँ पर लेकर जाना है, ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाना है नए फिक्रे के,
और जो ऑब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस का उसको सब्जेक्ट की जगह पर ले जाना है, और इसके मुताबिक हेल्पिंग वर्ब को देखते हुए इस एम आर जो है वो हमें बताएंगे कि हमारा सेंटेंस किस टेंस से ताल्लुक रखता है, प्रेजेंट इनडेफिनेट से, कॉन्टिन्यूस से या उस चीज से, और पास्ट पार्टिसिपल जो है उसको हम सिंपल वर्ब की फॉर्म में जो है चेंज कर देंगे। इस तरीके से ये इंटर कन्वर्शन इनके होती है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस। रूल्स जो है हमने वो सारे स्टडी कर लिए हैं, उनको पढ़ लिया है हमने। अब जो है हम ये देखते हैं कि एक्टिव वॉइस में जो पैटर्न होगा सेंटेंस का वही सिंपल, यानी सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। अगर दो सेंटेंसेस की हेल्प हम ले लें तो फॉर एग्जांपल एक हमारे पास एग्जांपल है, वी राइट द स्टोरी। वी यहाँ सब्जेक्ट, राइट वर्ब, द स्टोरी ऑब्जेक्ट हो गया। सेकेंड सेंटेंस है ही हेल्प्स हर, ही सब्जेक्ट, हेल्प्स उसका वर्ब हो गया और हर जो है उसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ कलर पैटर्न जो है इसको आपने गौर से देखना है, क्योंकि ये कलर पैटर्न हमें समझाएगा कि एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव में जाकर किस जगह पर तब्दील हो रहा है और अपना केस कैसे तब्दील कर रहा है। और इस तरीके से सेकंड कलर जो है वो भी बताएगा कि ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस जो है वो नए पैसिव वॉइस में जाकर किस तरह से सब्जेक्ट बन रहा है और उसके साथ उसका केस कैसे तब्दील हो रहा है। तो एक्टिव और एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का पैटर्न और उसकी एग्जांपल देख ली हमने। अब हम चलते हैं पैसिव वॉइस, यानी इसी एक्टिव को पैसिव वॉइस में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा चल रहा है हमने चेंज करना है तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारा कैसे बनेगा। तो सबसे पहले पैसिव वॉइस में हमें सब्जेक्ट लगाना होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब में चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट है, जो भी मुनासिब होगा सब्जेक्ट के लिहाज से इज या एम या आर लगाया जाएगा। और उसके बाद वर्ब की चूंकि पैसिव वॉइस है, अब हमें पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है यूज करनी होगी, जिसे हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं। उसके बाद प्रेपोजिशन बाय हमें यूज करना होगा, लास्ट में जो है ऑब्जेक्ट लिखना होगा पैसिव वॉइस का। अब यहाँ कलर पैटर्न को अगर देखें, एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस है, अब देखें ऑब्जेक्ट जो है वो जिस कलर से ऑब्जेक्ट को हमने लिखा है, पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर को देखें अगर सेंटेंस के, तो वही सेम कलर को हमने सब्जेक्ट से लिखा है। तो इसके कहने का मतलब यह है कि एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होगा वही पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट आकर बनेगा। वही क्या बनेगा? पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट आकर बनेगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते होते हैं, अब जो भी सब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक। उसके बाद वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगानी है। नेक्स्ट जो है हमने प्रेपोजिशन बाय लगानी है। अब जो है आप देखें एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जिस कलर से है उसी कलर से हमने पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट सेम कलर से किया है। इससे मुराद क्या है कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होगा पैसिव में वही चीज ऑब्जेक्ट बन जाएगी अपने केस को तब्दील करते हुए। अब ये स्ट्रक्चर के लिहाज से तो हमने देख लिया एक्टिव और पैसिव किस तरीके से चेंज होंगे। अब एक्चुअल एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। सबसे पहली एग्जांपल, वी राइट द स्टोरी। अब वी सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, राइट वर्ब ऑफ द एक्टिव वॉइस, द स्टोरी ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस। रूल क्या बताता है? पहला स्टेप क्या अप्लाई करना है हमने? ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस को सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस बनाना है। तो द स्टोरी जिस कलर में दी हुई है पैसिव वॉइस में अगर आप देखें तो द स्टोरी को हमने सब्जेक्ट की जगह पर लगा दिया। सेम कलर है क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट में चेंज करना है, इस चीज को समझाने के लिए। उसके बाद स्टोरी चूंकि सिंगुलर नाउन है तो इसके मुताबिक हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या बनेगा? इज बनेगा। तो हमने इसी सब्जेक्ट के मुताबिक इज हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। उसके बाद राइट का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या थर्ड फॉर्म रिटन बनती है तो वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी हमने लगा दी। रिटन के बाद प्रेपोजिशन बाई ऐड कर दिया। अब उसके बाद लास्ट स्टेप हमारा क्या था? प्रेपोजिशन के बाद के एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देना है, लेकिन उसका केस भी तब्दील करना है। अब एक्टिव वॉइस में देखें तो वी जो है हमारा सब्जेक्ट है, इसी को हमने पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाना है तो हमने उसे अस कर दिया। क्यों?
कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, अगर वो प्रोनाउन होंगे तो फिर वो अपना रेलेवेंट केस जो है वो भी तब्दील करेंगे। अब वी जो है सब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्टिव केस है, इसी को जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसका केस फिर सब्जेक्टिव नहीं रहेगा बल्कि वो ऑब्जेक्टिव वी से अस बन जाएगा, उसमें तब्दील हो जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से ये समझ आ चुकी होगी कि हम ये तब्दीलियां जो तीन चार स्टेप्स से उनको किस तरीके से वन बाय वन अप्लाई करते हैं। सेकंड स्टेप देख लेते हैं, ही हेल्प्स हर। अब यहाँ ही सब्जेक्ट, हेल्प्स एक्टिव वॉइस में वर्ब, हर जो है ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, तो हर जिस कलर में है ऑब्जेक्ट तो इसको हमने सब्जेक्ट में चूंकि लेके आना है। अब ये प्रोनाउन था तो प्रोनाउन अपना रिलेटिव केस चेंज करता है, तो जब ये सब्जेक्ट में आएगा हर तो अपने सब्जेक्टिव केस शी की सूरत में आएगा। अब शी के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा सूटेबल है, इज है, तो इज हम लगाएंगे। उसके बाद हेल्प्ड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, नेक्स्ट उसके बाद हमने प्रेपोजिशन बाय लगानी है, और प्रेपोजिशन के बाद फिर एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट था उसको पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो एक्टिव वॉइस में हमारे पास ही था सब्जेक्ट, तो ही को हम जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो अपना केस भी ऑब्जेक्टिव ही से हिम में तब्दील कर देगा। तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनेट में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का तरीका। अब देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट वही चल रहा है, इसमें अगर नेगेटिव सेंटेंस आ जाए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ जाए, या इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों फीचर्स एक ही सेंटेंस में कंबाइन हो तो क्या करना है। तो अब मैं सिंपली आपको सिर्फ बताता जाऊंगा ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स जो हैं, यानी कौन सी जगह किस जगह पर लगानी है वही समझाऊंगा। कलर पैटर्न से आप लोग खुद समझ जाएं कि सब्जेक्ट किस तरीके से ऑब्जेक्ट में जा रहा है या ऑब्जेक्ट किस तरीके से सब्जेक्ट बन रहा है और अपना रेलिवेंट केस भी साथ में तब्दील कर रहा है। तो पहला सेंटेंस हमारा नेगेटिव अगर देखें प्रेजेंट इंडेफिनेट का, तो वो क्या है, ही डज नॉट हेल्प हर। तो सबसे पहले हर ऑब्जेक्ट शी की सूरत में सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस का। उसके बाद इसके नए अब पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के लिहाज से हेल्पिंग वर्ब इज, और चूंकि नेगेटिव का सेंटेंस है तो अब हमें हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद लफ्ज नॉट लगाना है। बच्चे ये बात आपने यहाँ याद रखनी है कि नेगेटिव सेंटेंस जब पैसिव वॉइस का बनाएंगे तो उसमें नॉट का वर्ड जो कि नेगेटिविटी के फीचर को जाहिर करता है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद लगाया जाता है। यानी नॉट वर्ड की जगह किस कहाँ पर होगी, हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद होगी। तो हमारे यहाँ इस सेंटेंस में शी इज जो है, इज उसका हेल्पिंग वर्ब है तो उसके फौरन बाद हमने नॉट लफ्ज लगाया है नेगेटिव बनाने के लिए। फर्दर जो है स्टेप सारे वही होंगे, यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और उसके बाद प्रेपोजिशन बाय और उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस जो एक्टिव है उसका ही सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा लेकिन अपना केस भी तब्दील करेगा। अब आ जाते हैं इंटरोगेटिव में, सिंपल सेंटेंस यानी एक्टिव वॉइस में क्या होना चाहिए था, डज असलम कॉल मी। तो इसमें जो है आप लोगों को पता है सिंपल सेंटेंस जो है वो इंटरोगेटिव या सवालिया कब बनते हैं, जब हम हेल्पिंग वर्ब्स को स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में ले जाते हैं। तो यही असूल आपने यूं सोचना है कि अगर सिंपल सेंटेंस होता उस सिंपल सेंटेंस के पैसिव वॉइस में जो भी मुतालका हेल्पिंग वर्ब बन रहा होता पैसिव वॉइस का, तो उस हेल्पिंग वर्ब को उसकी अपनी जगह पर लगाने की बजाय मैं स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में ले जाता हूं और बाकी चीजों को उसी तरतीब से लिखूंगा, तो ये इंटरोगेटिव बन जाएगा पैसिव का। अब मिसाल के तौर पर डज असलम कॉल मी, ये इंटरोगेटिव है एक्टिव वॉइस में। अब हमने अगर सपोज करें एक लम्हे के लिए सोचें ये इंटरोगेटिव नहीं सिंपल सेंटेंस है, तो फिर हमारा ऑब्जेक्ट चूंकि मी है इसको हमने सब्जेक्ट बनाना था आई पैसिव वॉइस में जाकर। अब आई के लिहाज से हमारा हेल्पिंग वर्ब एम बनना था ना, अगर सिंपल होता तो हम आई के बाद एम लगाते, लेकिन चूंकि इंटरोगेटिव है और इंटरोगेटिव बनते उसी वक्त हैं जब हम हेल्पिंग वर्ब्स को स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में लगाते हैं, तो आई के बाद एम लगाने की बजाय हम पैसिव में स्टार्ट ही उसी से करेंगे जो आई के साथ जिस हेल्पिंग वर्ब में लगना है, तो वो चूंकि एम है तो हमारा इंटरोगेटिव में पैसिव वॉइस एम वर्ड से स्टार्ट होगा
उसके बाद हुई सब्जेक्ट आई जो कि ऑब्जेक्ट मी से तब्दील होकर यहाँ आया है, और उसके बाद अब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाएंगे। वैसे तो आई के बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए था, लेकिन वो हेल्पिंग वर्ब हम स्टार्ट में ले ले गए हैं क्योंकि सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव है। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कार्ड लगाने के बाद बाय प्रेपोजिशन, और उसके बाद जो है हमारा एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट असलम था तो इसको ऑब्जेक्ट में ले आना है। तो चूंकि ये नेम है, प्रॉपर नेम्स जो होते हैं उनको चेंज नहीं किया जाता, सिर्फ प्रोनाउंस के केस होते हैं उनको चेंज किया जाता है, तो ये असलम का असलम ही आएगा। एंड में जो है हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी, यानी नेगेटिव और इंटरोगेटिव में सिर्फ एक फ़र्क है कि हमें इंटरोगेशन पुट करने के लिए हेल्पिंग वर्ब को सिर्फ स्टार्ट में ले जाना है, बाकी तरतीब सेंटेंस की वही रहेगी। अब इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस दोनों फीचर्स को ऐड करना है हमने, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वही सिंपल सेंटेंस में इंटरोगेशन के लिए हेल्पिंग वर्ब डू या डज स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में आएगा चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट है, उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के फौरन बाद लव्स नॉट चूंकि नेगेटिव का फीचर ऐड करना है, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी सिंपल प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस का अगर इंटरोगेटिव और नेगेटिव बनाना है तो। अब उसी लिहाज से पैसिव में जब तब्दील करेंगे तो चूंकि इंटरोगेशन ऐड करनी है तो वो क्या डिमांड करती है, ऊपर जो एग्जाम्पल हम पहले पढ़ चुके हैं इंटरोगेटिव की, के हेल्पिंग वर्ब जो भी मुतालका बनेगा उसको स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में। अब यहाँ हमारे पैसिव वॉइस में एक्टिव से जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना था द वाटर है, तो द वाटर के साथ चूंकि इज आना चाहिए था हेल्पिंग वर्ब, अब इंटरोगेशन ऐड करने के लिए उसको हम स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में लगा रहे हैं पैसिव वॉइस में, यानी इज द वाटर। अब यानी हेल्पिंग वर्ब भी हमारा हो गया, सब्जेक्ट भी हो गया, यानी इंटरोगेशन हो गई। अब नेगेटिविटी इसके साथ अटैच करनी है तो वो अब सब्जेक्ट के फौरन बाद लव्स नॉट आएगा, वो लगाने के बाद फिर वही पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी ड्रिंक से ड्रंक, और उसके बाद प्रेपोजिशन बाई, और उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में यू, वही हमारा ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में यू आएगा। यू का दोनों केस जो है आप लोगों को पता है, सब्जेक्टिव केस भी यू होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, तो ये सेम रहेगा। और लास्ट में जो है क्वेश्चन मार्क हम ऐड कर देंगे। इस तरीके से ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के हमने रूल्स जो है वो फुल डिटेल के साथ पढ़ लिए। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे, और उनके फिर नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव अगर एक ही सेंटेंस में दोनों फीचर्स को कंबाइन करना है तो वो कैसे हमने अप्लाई करने हैं रूल्स, और उनको चेंज कैसे करना है, सारी चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी। कलर पैटर्न को आपने गौर से देखना है, और स्टार्ट में जो रूल्स पढ़े थे उनको भी आपने गौर से देखना है, तो इससे आपको चीज़ें या कंसेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे। तो यहाँ तक पहुँच कर हमारा जो है आज का लेक्चर ख़त्म हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया होगा, अगर अभी तक नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएँ ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव और कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग से मुतालिक जितने भी दिलचस्प लेक्चर्स हैं उनकी इतला आपको मिलती रहे, और ये लेक्चर्स दूसरों के साथ भी शेयर करते रहें। जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए।